हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल एडुका लर्निंग। दोस्तों, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए 25 खिलाड़ी चुने हैं। इनमें से जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा सिर्फ वे ही खेलेंगे 2019 का वर्ल्ड कप। और दोस्तों, खुशी की बात तो ये है, इसमें उन्होंने रैना और युवराज दोनों को ही शामिल किया है। कोहली ने खिलाड़ी कुछ इस प्रकार चुने हैं। बैट्समैन ने पहले तो वे खुद ही होंगे कैप्टन, फिर रोहित शर्मा होंगे वाइस कैप्टन, शिखर धवन, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह, एमएस धोनी जो कि विकेट कीपर रहेंगे, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। बॉलर्स में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज होंगे। ऑलराउंडर्स में रहेंगे हार्दिक पांड्या, केदार यादव, सुरेश रैना, अक्षर पटेल, कृणाल पांड्या और जयंत यादव। तो दोस्तों, ये थे विराट कोहली के द्वारा चुने गए वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ी। अब मैं आपको बता दूं, कोहली ने काफ़ी जल्दी निर्णय कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए और ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा वर्ल्ड कप खेलने का। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।